जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है। इस बार सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल महागठबंधन का हिस्सा है। बेगूसराय जिले की बिखरी विधानसभा से सीपीआई उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा विधानसभा से रामतन सिंह ने मैदान में कदम रखा है। महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगने आए कन्हैया कुमार ने कहा कि बदलाव के लिहाज से 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए निर्णायक है। नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया ने कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भाजपा ने मुख्यमंत्री को हैक कर लिया। उन्होंने लोगों से इस बार चुनाव में ऐसे लोगों को चुनने के लिए कहा जो बाद में ना बदले। कन्हैया ने कहा कि पहले लोग कहा करते थे कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन अब तो भाजपा ने यहाँ मुख्यमंत्री को ही हैक कर लिया। भाजपा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब उन्हें खराब कहा जाता था, जैसे ही वो भाजपा में आए वो शुद्ध हो गए। हमें भी ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो हम भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप खत्म हो जाएंगे। बता दें कि सीपीआई राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा है। बखरी और तेगड़ा विधानसभा की सीटें पार्टी के खाते में आई हैं। पार्टी ने बखरी से सूर्यकांत पासवान और रामरतन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जनता समझ चुकी है और अब वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, ना कि जुमलेबाजों के जुमलों से प्रभावित होकर मतदान करेगी। कन्हैया सीपीआई के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। पार्टी ने हाल ही में अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी महासचिव डी राजा, कन्हैया कुमार और बिहार के सचिव राम नरेश पांडे का नाम सबसे ऊपर है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बिहार में सीपीआई के स्टार प्रचारक हैं। कन्हैया बेगूसराय के ही रहने वाले हैं, साथ ही वो सीपीआई के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह से वह चुनाव हार गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया है। सीपीआई उम्मीदवारों के लिए वो बिहार में हालांकि प्रचार जरूर करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कन्हैया कुमार का साथ आरजेडी ने नहीं दिया था। उस वक्त एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीपीआई एक जाति की पार्टी है, वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई महागठबंधन में शामिल है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तेजस्वी और कन्हैया कुमार एक मंच पर नजर आएंगे। हालांकि अभी तक दोनों का एक साथ कोई कार्यक्रम ऐलान नहीं हुआ है। महागठबंधन में इस बार तीनों वाम दलों के अलावा आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 144 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 70 पर और तीनों वाम दल 29 सीटों पर मैदान में हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए 3 फेज में वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे अगले महीने 10 नवंबर को आएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।